हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। खुशामदीद नादिया खान, आज हमारी मेहमान है। हम नादिया को किचन में लेकर आए हैं। यहाँ मुझे जाने का कोई बिल्कुल शौक नहीं है, प्लीज आप मुझे यहाँ क्यों ले आए। अच्छा मुझे बताओ, अंडे को आप ऑमलेट बनाएंगी, आप उबाल भी सकती हैं, या आपकी कन्वीनियंस पे आपने किस चीज को कैसे करना है? मैं इसको बालों पे लगा लूँ तो बेहतर है। अच्छा, तो पकाना नहीं चाहूंगी क्योंकि मुझे मैं कभी खाया नहीं एग और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और कोई साथ में खा भी रहा होता है तो मैं उठ के चली जाती हूँ। वाकई? हाँ, मुझे अंडा एलर्जी। हाँ, वजह पता नहीं, बचपन से शुरू से। तो कभी बाल के भी नहीं खाया? कभी किसी फॉर्म में नहीं खाया, ना किसी को बना के देती हूँ मैं। बालों में लगाने का तरीका? हाँ, बालों में लगा लूंगी, बहुत बालों में लगाती हूँ, तो वो भी बहुत कम लगाया है। मैं ज्यादा घरेलू चीजें ना ये टोटके नहीं करती। अच्छा, तो आई रादर गो फॉर प्रोडक्ट्स, ये मेरा थोड़ा है ये। लेकिन मेरी बहन मेरे लगाती थी, सादिया जो पिंडी में होती है, एग था मेरा ख्याल। हाँ। एग के साथ योगर्ट और कोई ऑयल होता है, तेल। हाँ, ठीक है, कोई तेल होता है, पता नहीं कौन सा। हाँ। तो बस वो उसमें सर पे लगाया मैंने, वो भी नहीं मुझे पसंद, तो वो उसको बहुत शौक है बालों का ख्याल। उससे पूछो तो हम टोटके। हाँ, तुम सादिया से पूछो, नहीं है, उसके बाल इतने अच्छे हैं, वो इतनी चीजें इस्तेमाल करती है ना, मुझे नहीं पता, मैं पता टाइम नहीं और समझ भी नहीं आती। ठीक है, लेकिन अब हमने पराठे तो बनाने हैं ना, पराठे तो खाए हैं ना जिंदगी में। अरसा हो गया, बहुत अरसा हो गया, लेकिन ठीक है, बनाएं। हम आपके हाथ से खाएंगे। ऐसी बातें कर रही है सुबह सुबह। बाकी आपके हाथ से खाना है? मैं बाबा का। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं बना नहीं सकती। इसे आटा कहते हैं और पेड़ा कहते हैं। ठीक है। हाँ, इसको उठा के। वैसे नादिया, जिंदगी में कभी किचन में जाके काम किया? मैं पता इस तरह के खाने नहीं बनाती, कुछ बना लेती हूँ, पास्ता वगैरह। चलो, थाई फूड बना लिया, कुछ बर्गर वगैरह बना लिया। करना है इसको। हाँ, हमने खूबसूरत रिंग्स उतार के, ओह माय गॉड। हाँ, ताकि उसमें कुछ फंस नहीं जाए। ये बहुत फनी सेगमेंट होने वाला है, इतना बड़ा। तो हाँ, पेड़ा तो आधा करना है, आधा करना। मैं तैयार हूँ, किस लिए आई हूँ कि तुम मुझे यहाँ ये रोटियां बनवाओ मुझसे? सारी खवातीन कहते हैं हर औरत को किचन में जाना ही पड़ता है, यू एग्री विद दैट? हाँ, लेकिन रोटी बाहर से आ जाती है। अच्छा। हाँ, रोटी बनाने के बाहर तो कोई भी नहीं बनाता, कौन रोटियां बनाता है? अच्छा, मगर टाइम नहीं है रोटियां बनाए तो बाहर क्या, कैसे घर वाले जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? यार, बनी बनाई रोटियां आ जाती हैं, या रोटी, मेरे घर में तो रोटी का ज्यादा रिवाज ही नहीं है, मैं रोटी खाने वाली चीज ही नहीं है। अच्छा, फिर आप क्या खाती हैं, पास्ता, बर्गर? नहीं, हाँ, कोशिश करती हूँ कि रोटी चावल ये अवॉइड हो जाए। सीरियसली फरा, मैंने बनाना है सीरियसली? श्योर, फर्स्ट हमने आज देखना है कि नादिया रोटी कैसे बनाती है। हालांकि मुझे पक्का पता है कि नादिया रोटी नहीं बनाती, और मुझे ये भी पता है कि नादिया जिंदगी में इस तरह के कामों में नहीं इतना ज्यादा जाती है। हाँ। लेकिन फिर भी बच्चों को भी कभी वो एक सुपर मॉम बनने के लिए बंदा बहुत सारा कुछ कर रहा होता है ना। हाँ। कि उनको मैं ये बना के दूं, वो बना के दूं, तो वो कभी नादिया जिंदगी में किया? नहीं नहीं यार, ये सैलेड किचन में जाना, किचन में मैं जाती हूँ लेकिन इस तरह वाले खाने नहीं बनाती, ये वाला नहीं आता मुझे। ठीक है। हाँ, और वो रोटी मेकर भी एक है मेरे पास, कि अगर किसी ने खाना हो तो फिर रोटी मेकर में रोटी बन जाती है बहुत जल्दी। हाँ, आप सब टेक ओरिएंटेड हो ना? हाँ हाँ, गैजेट्स होने चाहिए, गैजेट्स से जिंदगी आसान। यही तो मैं कहती हूँ शो में, लोगों को ये बताओ, ये मतलब टाइम बचाएं अपना और काम करें, अपने लिए वक्त निकालें। अच्छा, अपने लिए वक्त निकालने का मतलब क्या होता है नादिया? अपने लिए वक्त कैसे निकालती है? मैं अपने लिए वक्त, अभी तो जब से ड्रामास कर रही हूँ तो टाइम मिल जाता है अपने लिए, यू नो, अब थोड़ा सा ब्रेक मिल जाती है घर से, बच्चों से, अपनी नॉर्मल रूटीन से। तो और फिर ये पुराने लोग और लाइक माइंडेड गपशप गॉसिप, मुझे बहुत शौक है गॉसिप का। अच्छा, वो उसका क्या हुआ, अच्छा वो क्या हुआ, अच्छा कल तुम लोग लड़की हो रहे थे, सारी चीजें सब मुझे बता भी देते हैं। हाँ, तो वो बहुत मजा आता है। सही, तो अगर कभी आपको पता चले, इसके अलावा आई लव शॉपिंग, मुझे मॉल छोड़ दो 12 घंटे। तो आप विंडो शॉपिंग करती हैं कि एक्चुअल वाली शॉपिंग करती हैं? मैं काफी बाय करती हूँ, मुझे शौक है, शौकीन हूँ, और ट्राई भी करती हूँ चीजें, सीखती बहुत हूँ, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है आउटस्टाइल, उसके लिए बहुत जरूरी है। अब तो खैर मकसद मिल गया ना, तो उसमें ये होता है कि नहीं, मकसद क्या मिल गया मतलब, क्योंकि उसमें अप टू डेट रहना पड़ता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, और डेली इतना कुछ दुबई में आ रहा होता है और ऑलरेडी है, तो प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना, जानना, उसको अप्लाई करना। कहां पे आप, दुबई में? दुबई में, आई एम बेस्ड इन दुबई। नहीं नहीं, आई एम बेस्ड इन दुबई, बट यू आर पढ़ रहे हैं? मैं ड्रामास के लिए आती हूं अभी। ठीक है। हां, तो 2 हफ्ते में यहां एक्सपेल करके। तो बच्चे खुश रहते हैं इस अरेंजमेंट पे कि अम्मा पाकिस्तान? अच्छा, अरे बहुत खुश, कहते शुक्र है, जान छूटी हमारी। हां नहीं, वो भी खुश है क्योंकि दे लाइक लिविंग इन दुबई।
तो नहीं ठीक है, हमने आपकी एब्सेंस वहां से, आप यहां पे अगर ड्रामा कर रही हो तो 2-3 महीने के स्पेल के लिए तो होती होगी। नहीं, मैं इतना नहीं करती, मैं हर 2 वीक्स में 10 डेज में चली जाती हूं वापस, फिर मैं 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन रह के वापस आती हूं। हाँ। अच्छा, तो वो पीछे से मैनेज कर लेते हैं, फाइन विद दिस कम्मा गॉन। बिल्कुल, उनके मेड है, कुक है, ड्राइवर है, तो उनकी वो इस तरह के तो मसाइल नहीं होते, लेकिन मिस करते हैं। मेरी बेटी बहुत समझदार है फरह। अच्छा, वो इतनी मैच्योर है, वो आपसे ज्यादा समझदार है, मेरे से ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है मेरी बेटी। हाँ। और रीजन उसकी क्या है, अम्मा की ट्रेनिंग या इनबिल्ट है उसके अंदर? आई थिंक अम्मा की ट्रेनिंग, तो क्या मैं कोई इतनी कमाल मदन, लेकिन मैं उसके साथ बड़ी ओपनली बातें करती हूँ, जो लाइफ में मैंने गलतियां की हैं या जो मैं सीखती हूँ मैं उसके साथ जरूर शेयर करती हूँ। बेटा माँ की गलती ये रिपीट नहीं करना, बेटा ये नहीं करना वो, और शुरू से मैं इसका बहुत ओपन हूँ। फर्ज किया कौन सी गलती को आप सबसे ज्यादा वो कहते हो ये नहीं करना तुमने? सबसे बड़ी मैं कहती हूँ शादी में जल्दबाजी नहीं करना, जितना डिले कर सकती हूँ शादी को करो। मैं भी अपने बच्चों को यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ बेटे प्यार शार के चक्कर में नहीं बढ़ना, इससे बड़ा ट्रैप जिंदगी में कोई नहीं। और एक मेरा लेसन होता है कि जो लड़का खुद वेल एस्टैब्लिश नहीं होगा, सही कमाता नहीं होगा, वो आपका खाएगा। और फिर ये मैंने उसकी ये बांध दिया बात, मैंने कहा बेटा बहुत सारी चीजें लाइफ में आपसे, मेरी बड़ी ऑब्जर्वेशन है इधर उधर भी, आजकल बड़ा फैशन बन गया है, मेरा ड्रामा भी उस बारे में है कि बेगम को खाओ, वो ही सब चलाए, सब करे, आप उसको फिर क्रेडिट भी ना दो, बहुत सारी बातें जो मैं से ओपनली करती हूँ अबाउट एवरीथिंग। और मुझे वो लगता है कि वो बहुत ज्यादा समझदार है, मैच्योर है, मैं कहीं हिलने लग जाऊंगी तो मामा नो मामा ना करियो, एम्बैरेसिंग नहीं मामा, व्हाट आर यू डूइंग। तो मेरे पीछे वो घर बहुत अच्छा संभालती है, लाइट्स ऑफ करनी, शी इज ओनली 14। अच्छा माशाल्लाह, लाइट्स ऑफ करनी है तो मेड को कहेगी तुमने लाइट क्यों ऑन रखी, ऑफ करो, तो ये एसी क्यों ऑन था, डॉग्स को वॉक पे लेके गई हो या नहीं, बहुत समझदार है। अच्छा, इसका मतलब है कि फजूल खर्ची नहीं करनी, फेस मेरी बेटी बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस नहीं है कि जी मैं प्राडा का बैग लिया ये वो, मैं थोड़ा सा फिर भी चीजों का ख्याल करती हूँ उसको, तो मामा मैंने सेल में ये लिया, मामा मैंने ऑनलाइन ये 35 दिरहम्स का लिया, जो कि मेरी फ्रेंड्स में भी नहीं है। हाँ। सबकी बच्चियां इतनी ब्रांड कॉन्शियस, और किस पे फजूल खर्ची है पता नहीं, मेरे भी है लेकिन समझदार है, देर से समझ नादिया खुद बहुत समझदार है, जिस नादिया को मैं जानती हूँ बहुत समझदार है, वो बहुत स्मार्ट खातून है, और एक बच्चों को हमेशा ये इंप्रेशन दें कि आप ब्रोक हैं, आपके पास कोई पैसे नहीं। ये हमेशा मैं अपने बच्चों को कहती हूँ बेटा मम्मा मान लेते हैं, नो मनी मम्मा ब्रोक, शी हैज नो मनी, ये बहुत जरूरी बातें हैं, वो मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं, मेरा बेटा तो समझता है, मतलब वो अम्मा को ऐसे देखती है तो मान लेते हैं कि अम्मा के पास मुझे बता रहे होते हैं मम्मा यू कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक, वो मुझे बहुत कमाने के तरीके बता रहे। अच्छा मामा मैंने ये लेना, नहीं बेटा अजान आई विल नॉट बाय योर होवरबोर्ड, मामा हैज नो मनी, तो मामा नो यू कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक, मेरे फला फ्रेंड ने बताया, वो लोगों से पूछता रहता है ना कैसे। अच्छा अपने आप को रेट करो अगर आप एज मदर। हाँ ये जल रहा है तो वो तो जलेगा, उस पे रोटी आनी है ना। हाँ तो आ जाए। हाँ अजान मेरी तरह बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ बहुत झूठ बोलता है। मसलन क्या झूठ बोलता है बेचारा? झूठ ये बोलता है कि जैसे अभी जाना था अजान को तो हमने ना ट्यूशन के लिए, तो ये कि मैं नहीं आ सकता मेरी नानी आई है, मैंने कहा बेटा नानी तो 2010 में फौत हो गई थी, तुमने मतलब क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो, तो वो इस तरह बहाने बनाता है, पढ़ने आएगा कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाता है। अच्छा पढ़ने में नादिया आप भी बहाने बनाती थी या यू वर अ गुड स्टूडेंट? आई वाज अ गुड स्टूडेंट लेटर ऑन ग्रेड 9 पे आके, उससे पहले तो मैं भी बहुत चोर थी पढ़ाई में और झूठ बहुत बोलती थी, ठीक ऐसे बहाने कहानियां यार, रोटी नादिया ने कमाल बना ली और मैंने बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं किया। हाँ। मेरा पूरा ध्यान जब उधर ही था, कहां है यार वो चिमटा, कहां है नादिया, इतनी भी एक्सपर्ट नहीं है कि वो रोटी को ऐसे पलट ले, और वो जलने वाली है, नहीं जलने वाली। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर घी तो डालो नादिया ताकि ये पराठा बन जाए। सो अब हमने ऑमलेट, अंडे को हाथ तो लगा लेती है ना आप, अगर कोई कहे कि बना दो नादिया? हां नहीं कभी कभी मजबूरी में, वैसे बनाती नहीं हूं, अजान भी नहीं खाता, लीजे विल हैव समटाइम्स, वो खुद ही बनाती है, वो अपना कुछ खाना होता है खुद ही कुकिंग करती है। ठीक है अच्छा वो रह गया मेरे, जो मैंने पूछा था कि आप एक माँ के तौर पे अपने आप को आप क्या रेट करती हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि माँ के साथ साथ मैं उनकी फ्रेंड हूँ, मैं बहुत प्रेशराइज नहीं करती बच्चों को, लेकिन बीच में एक आता है पीरियड कुछ महीने बाद थोड़ी सी जरा फर्म हो जाऊंगी, एक आध लगा भी थी। अच्छा। पढ़ाई पे मैं हाँ सख्त हूँ, पढ़ाई पे सख्त हूँ, अगर पलटना पड़े आपको मैनर्स तमीज होनी चाहिए बड़ों से, मैं बस बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बच्चे मुझे जवाब दे दें ना, ओहो तो फिर तो मेरी एक स्पेशल चप्पल है, तो हाँ वो मैं बर्दाश्त नहीं करती कि मुझे जवाब मत देना, मेरे से बदतमीजी मत करना।
ठीक है हाँ मैं सब आपके लिए करती हूँ ठीक है लेकिन आप बदतमीजी नहीं करो तो आज हम सिर्फ पराठा ही खाएंगे क्योंकि ऑमलेट तो बनने का सीन नहीं रहा। अच्छा नादिया वेट लॉस पे हम बात कर रहे थे कि इतना सारा वजन जो है वो माशाल्लाह आपने रिड्यूस किया और अच्छा है बहुत अच्छा है इट्स अ गुड एफर्ट जो हर खातून को करनी चाहिए। फरा बच्चों के बाद आई थिंक प्रेगनेंसी में जो आप पुट ऑन करते हैं ना वो बड़ा खौफनाक है मेरे केस में तो बहुत ज्यादा तो उसको टाइम लगता है लूज करते करते लेकिन थायराइड क्योंकि मुझे है तो उसकी वजह से भी अप एंड डाउन रहता है वेट। अच्छा तो ये तो कांस्टेंट स्ट्रगल है मेरे लिए ये नहीं कि एक बार उतारा तो नेचुरली स्लिम लाइक यू चल रहे हैं सालों साल एक ही उस पर वो नहीं है बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत मेहनत। तो वो मेहनत क्या है जो आप थोड़ा सा तो शेयर करो एक्सरसाइज है जिम है। मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती मेरे जिम गए हुए 2 साल हो गए हैं। अच्छा हाँ नहीं वो भी मेरी बैक की वजह से मेरा बैक का थोड़ा मसला था स्लिप डिस्क का था मगर आप तो गोल्फ खेला करती थी। हाँ ना यार मैं बहुत फिट थी लेकिन बस अब मेरी कमर रह गई और वो भी फैमिली कंडीशन है इट्स कॉल्ड दी डीजेनरेटिव बोन डिजीज जिसमें अब्बा की तरफ से बस है कि आपकी बोन्स थोड़ी वीक होने शुरू हो जाती हैं मेरी बैक बोन और हमेशा जिम जाती हूँ तो उसके बाद 2 हफ्ते बेड रेस्ट। तो देन हाउ यू मैनेज वजन कैसे आप मैनेज विदाउट जिम जिम से वेट नहीं कम होता कुछ नहीं आप मुंह बंद करेंगे आपका वजन गिरेगा उससे जिम का कोई ताल्लुक नहीं जिम से आप वो ये टोन होते हैं अच्छी बात है लेकिन सिर्फ जिम करके कोई पतला नहीं होता। तो अच्छा मुंह बंद करने का मतलब कुछ नहीं खाना पीना बहुत कम खाना होता है हम लोगों को जरूरत ही यार हमारी होता है सुबह? मैं देखो जिम नहीं कर रही मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ मुझे मेरे कोई राइट ही नहीं बनता कि मैं 700-800 कैलोरी ज्यादा क्या खाऊं क्योंकि मेरी एक्टिविटी बहुत कम है। तो सुबह नाश्ता क्या होता है? नाश्ता मेरा होता है पॉरेज मूजली इनमें से कोई एक चीज या फिर स्मूदी और मेरा स्मूदी बहुत फिलिंग होता है। स्मूदी में क्या क्या डलता है? स्मूदी में मैं बल्कि अगर वो होता तो मैं बना देती मैं बेरीज बहुत यूज करती हूँ क्योंकि बहुत कमाल चीज है यार स्पेशली औरतों के लिए स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज रेसबेरीज यहाँ मिलती है जरा कम है लेकिन स्ट्रॉबेरीज तो मेरे हमारे यहाँ अच्छी मिलती है स्ट्रॉबेरीज योगर्ट ओट्स वो उसको योगर्ट होगी थोड़ा सा मिल्क डाल के उसको आपने स्मूदी मेकर में अच्छी तरह ब्लेंड करके उसमें ओट्स जो हैं वो भी डालने हैं तो इतना फीलिंग है उसके बाद दिल नहीं करता कुछ खाने का। डन। अच्छा जी ब्रेक लेंगे यहाँ पे ब्रेक के बाद ब्रेक में हम थोड़ा सा चाय का मामला शुरू कर देंगे। चाय में क्या डालेंगे पहले? पानी की पत्ती? पानी ये तो मुझे आता है चाय है लेकिन मेरी चाय इतनी बदमजा बनती है आती मुझे मैं बना लूंगी पानी लेकिन बहुत बुरी है। डाले? हाँ पानी डलेगा। अब इसमें क्या डलेगा नादिया? यार पता होता तो मैं सादा कपड़े पहन के आती अपने तो एक कपड़ों का क्या हो रहा है? जैकेट में स्मेल आ जाएगी ना ये सब चीजों की नहीं आएगी बिल्कुल। अच्छा इसमें पत्ती डलने जा रही है? हाँ जी जब हम ब्रेक के बाद आएंगे ना तो नादिया हमें चाय भी बना के पिलाएंगी और नादिया हमसे कुछ जो वेट वाला मामला है थोड़ा सा गोल किया हम उस पर ज्यादा नादिया से वो तो मैं पूरा दिन बोलूं मैं आउट स्टाइल पे आप मेरी वीडियोस अगर चेक करें उसमें बहुत कुछ है अबाउट वेट लॉस कैसे मैंने वेट कम किया क्या खाती हूँ क्या स्नैक्स होते हैं। लेकिन कुछ मेरी जैसी खवातीन है जो नई सोशल मीडिया को इतना वो देखती है और करती है तो फिर उनको भी तो बता दो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ एंटी एजिंग का सबसे बड़ा राज इज वेट लॉस अच्छा वाला चरसे पी के नहीं सॉरी ओके वी विल टेक अ ब्रेक और आ रहे हैं टैबलेट्स खा के नहीं। कि आज हमारी जश्न सुबह बहारा ट्रांसमिशन हो रही है ईद मिलादुन्नबी की खुशी में रात 9 बजे से लेकर रात गए तक आपने हमें उसके मेज़बान का नाम बताना है व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे जो हमारे 3 लकी विनर्स हैं वो आज खूबसूरत गोल्ड पैनल जो हैं वो जीतने वाले हैं। और मेरे साथ हैं रूबी आपा अस्सलाम वालेकुम रूबी साहिद आप डायरेक्टर हैं दमास की और डायमंड ग्रेडर हैं डायमंड ग्रेडर ये क्या चीज़ होती है? डायमंड ग्रेडर होता है कि जैसे जो डायमंड को ग्रेड करता है कि ये किस क्वालिटी का है इसकी क्या इसका क्या कलर है तो इसका कट क्या है अच्छा हीरे की भी क्वालिटी इसकी सारी जो उसकी डायमंड की जो जो उसका कट है उसका हर चीज उसके बारे में साइज है फिनिश है उसका वजन कितना उसकी फिनिशिंग क्या है ठीक है वो
मतलब कितनी उसकी इंक्लूजन कितनी है उसके हमें कैसे पता चलेगा? फर्स्ट किया मैं नादिया को तो महल बहुत ज्यादा पता होगा, सर्टिफिकेट होता है सर्टिफाइड डायमंड होता है, उस पे सारी स्पेसिफिकेशन होती है। और आप कैरेट क्लैरिटी डायमंड जब भी खरीदें तो मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट के साथ खरीदना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना आप उसे सेल करने जाए जिंदगी में कभी तो कोई खरीदता ही नहीं है। हाँ जी, आपके डायमंड की उसमें ये है कि जो डायमंड का जो सर्टिफिकेट साथ आता है ना, वो डायमंड ग्रेडर देता है। ठीक है, क्योंकि जब वो डायमंड को ग्रेड अप करता है और तो फिर वो सारी चीज़ें वो लिखता है जो सर्टिफिकेट